इतनी मोहब्बतों में एक मोहब्बत माल की मोहब्बत है, वतन और माल। माल खर्च करना क्या आसान है? हुजूर ने फरमाया था कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना होता है। फरमाया मेरी उम्मत का फितना दौलत है। हमारे माशरे में तीन तरह के लोग हैं, एक गरीब है, दूसरे मुतवस्सत है और तीसरे अमीर है। और ये तीन तरह के लोग हैं हम माशरे में, इनकी जिंदगी के चाल चलन, इनका रख रखाव, इनके घर, इनके कारोबार, इनका लिबास। हम लिबास से पहचान जाते हैं, हम घर देख करके पहचान जाते हैं, हम कारोबार से पहचान लेते हैं। एक साइकिल पे फेरी लगाता है, एक रेड़ी पे फल लगाता है, एक ने अपनी दुकान बनाई हुई है, एक दो चार पांच फैक्ट्रियों का मालिक है, एक का घर किराए का है, एक का घर कच्चा है, एक का घर 5 कराल का है, 5 करोड़ का है। ये तीन तरह के लोग हैं ना हमारे माशरे के। हम यहां ऐलान करें कि सर हमें मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए चलना चाहिए, तो तीन तरह के लोग हैं, तो फिर तीनों को अपनी हैसियत के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए ना। गरीब अगर वो 100 देता है तो हमें समझ में आती है दिहाड़ी 700 की लगा के आया, 100 दे दिया, ये इसने अपनी हैसियत से बढ़ के दे दिया। और जो मुतवस्सत है, जो दिन का 2000 कमा रहा है, तो उसको 100 देना चाहिए, वो 500 दे यार, उसको अपनी हैसियत के मुताबिक आना होगा। जो अमीर है, जो इस सैद नगर का अमीर शख्स हमारे यहां बैठा हुआ है, तो अगर वो भी 100 दे, मुतवस्सत भी 100 दे, गरीब भी 100 दे, बात समझ में तो नहीं आई। बात समझ में ये आई कि ये दौलत की मोहब्बत है। याद रखिएगा, इंसान आदत का अमीर होता है और आदत का ही गरीब होता है। बंदा पैसे से अमीर नहीं होता। यानी कि आपने करोड़पति लोग देखे होंगे, लेकिन दिल छोटे छोटे देखे होंगे। लेकिन एक बंदे के पास वो 500-700 की दिहाड़ी लगाता है, लेकिन दिल आपको बड़ा नजर आएगा। बंदा आदत का अमीर होता है और आदत का ही गरीब होता है। तो मस्जिद में जब हमने ऐलान किया, तो फिर नोट वही निकाला अमीर साहब ने, अमीर साहबे ने भी, जो सबसे छोटा था, वही गरीब ने, वही मुतवस्सत ने। ये दौलत की मोहब्बत है। लाखों ने करोड़ों रखा यार, आज मर के कल दूसरा दिन। फरमाया कमाएगा तू, बनाएगा तू, बसेगा कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। ये फितरी मोहब्बत है। दौलत खर्च करने को जी नहीं चाहता। हां, वहां खर्च जरूर करते जहां नफ्स को हज मिलता है। 2 अरब की शादियां आपने सुनी, 2 अरब एक शादी पे लगा। यहां लोगों को दिखाना था, नुमाइश मकसूद थी ना। राह खुदा में खर्च करना हो तो वहां लोगों के रवैये देखने वाले होते। हम कहते हैं मौलवियों ने ढोंग रचाया, इन्हें मंगल को समापन आया, लेकिन दूसरी तरफ जनाब लाखों नहीं करोड़ों फेंक देते हैं। ये दौलत की मोहब्बत है, ये फितरी मोहब्बत है। खर्च करना आसान कोई नहीं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर की जिंदगी को पढ़ के देखिएगा। आप फरमाते हैं आपका माल मांगो तो माल लूंगा, जान मांगो तो लो जान मेरी, नहीं तो निकले जुबान मेरी, कटा के रख दो जुबान मेरी। माल अल्लाह की राह में बेदरे खर्च किया। देखिए दो तरीके हैं, ऐलानिया भी और खुफिया भी। यानी कि सदका ऐलानिया उस वक्त जायज होता है जब तरगीब दलाना मकसूद हो। हमने मदरसा बनाना है, हमने यहां कोई रिफाई काम करना है, तो उसके लिए हमने तरगीब दलाई। तो यहां से एक शख्स उठा, जी मेरी तरफ से इतने पैसे, उसको देख करके दूसरे के दिल में भी जज्बा पैदा हुआ कि अल्लाह ने मुझे भी पेड़ा दिया है। तो उसने भी कह दिया सीमेंट मेरी तरफ से, किसी ने सरिया कह दिया, किसी ने बजरी कह दी। ये है तरगीब। जब तरगीब मकसूद ना हो तो फिर खुफिया ज्यादा अफजल और बेहतर है। आप सही नजदीक अकबर रदी अल्लाह तआला की जिंदगी को पढ़िएगा। ऐलानिया किस तरह दिया? गज़वे तबूक के मौका पर जब हरकल ने पुकारा, हुजूर ने तरगीब दिलाई, तो भाईजान उस मौका पर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला को आधा ले रहे। ज़कात कितनी फर्ज है? 2.5%। पहली उम्मतों पे 10% ज़कात थी, इस उम्मत पे 2.5%। ऐलान हुआ तो कितना? 2.5% लाए भाईजान, 50% ले आए, आधा ले आए और आधा छोड़ आए। जब आधा लाए तो दिल में क्या बात थी कि आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। किस बारे में? अमल में। इमाम तिर्मिज़ी की रवायत नकल करते कि हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया के मामले में नीचे और दीन के मामले में ऊपर देखता है, अल्लाह उस शख्स को साबरीन और शाकरीन की सब में लिख देता है। दुनिया के मामले में नीचे और दीन के मामले में
खरबपति भी बंदा हो जाए ना, अगर वो नीचे नहीं देखेगा तो तस्कीन के काफले भी आएंगे, और अगर नीचे देखने का मिजाज पैदा हो जाएगा तो फिर किराए के मकान पे रहने वाला भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। कुछ लोग फुटपाथ पे सोते हैं, किसी के पास किराए का मकान भी नहीं, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, घर शकिस्ता सही मगर अपना तो है। सादी कहते कि दमिश्क की जामे मस्जिद से किसी ने जूता चुरा लिया, बाहर आया, दिल में बात तो आई, तो फरमाते मैं दो कदम आगे बढ़ा तो एक शख्स को देखा, उसके पांव नहीं थे, वही सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पांव तो सलामत है नीचे।